बिग बॉस 17 हर गुजरते दिन के साथ काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। शो में बिग बॉस एक से बढ़कर एक ट्विस्ट आ रहे हैं, जिसे देखकर न सिर्फ सदस्यों की बल्कि दर्शकों के भी होश उड़ रहे हैं। शो के अपकमिंग एपिसोड में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसकी झलक सामने आए प्रोमो में देखने को मिली है। जी हाँ, आपको बता दें, बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट का तिगड़म और उनकी चाल खूब नजर आती है। इस शो में पहले से ही पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट रहे अनुराग डोभाल के सिर से हटकर यह आफत नील भट्ट के ऊपर आ गिरी। दरअसल विक्की जैन ने स्पेशल पावर का फायदा उठाते हुए उन्होंने नील को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया था। वहीं विक्की खुद पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट होने से सुरक्षित हो चुके हैं। लेकिन इसी के साथ घर में एक और शातिर चाल चली गई, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये किसी और ने नहीं बल्कि विक्की जैन ने वाइफ अंकिता लोखंडे के खिलाफ चली है। तो चलिए जानते हैं कि घर में कौन कैसी शातिर चाल चलने वाला है। अभी हाल ही में बिग बॉस ने नया प्रोमो रिलीज किया है। इस प्रोमो में बिग बॉस ने एक ट्विस्ट के साथ मोहल्ले के तीनों मकानों को दोबारा खोलने का फैसला लिया है, लेकिन इन मकानों को पाने के लिए दो सदस्यों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रोमो में बिग बॉस कहते सुनाई दे रहे हैं कि मकानों के खुलने का समय आ गया है। इसके बाद अंकिता आर्काइव रूम में बैठी नजर आ रही हैं। आप भी देखिए वीडियो। मकानों के खुलने का समय आ गया है, तो आइए अंकिता जी, थेरेपी रूम में आ जाइए। दिल का कमरा नहीं तो कौन से दूसरे मकान में रहना पसंद करेंगी? मैं दिमाग वाले कमरे में जरूर जाना चाहूंगी। ये दिल का मकान आपका हो सकता है। उसके लिए एक शर्त यह है, विक्की पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हो जाए। मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये दिल का मकान आप लोगों के नाम हो सकता है। जी बिग बॉस, करना क्या पड़ेगा? करना सिर्फ वही है जो आप इससे पहले एक बार कर चुके हैं। नील को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट किया था, उनकी जगह अंकिता को नॉमिनेट कर दीजिए। अंकिता, थेरेपी रूम में मैंने जो ऑफर आपको दिया था, मैंने विक्की भैया को भी दिया, और जानती हैं क्या हुआ? बिग बॉस विक्की जैन का फैसला सभी घर वालों के सामने सुनाते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रोमो में उनका फैसला तो पता नहीं चला है, लेकिन इस फैसले के बाद अंकिता और विक्की के बीच बहस देखी गई। बोल दिया यार, ये मेरे अंदर था। I don't want to hide my feelings. So it just came out. I felt it and I said it. But विक्की ठीक है, तेरे में समझती हूँ। तुम समझने के बाद फिर ये अरे अरे क्यों आ रहा है? You can't tell me how to behave. तो फिर मैं आपकी किसी बात तक क्यों रिप्लाई करूँ? आप मुझे भी गेम की तरह यूज कर रहे हो क्या? मैं तेरा एक पॉइंट नहीं करना है, बात नहीं करता। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या विक्की ने अंकिता को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया है, या मामला कुछ और ही है। बिग बॉस 17 में आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और देखते रहें जनहित टाइम।